सुनीताज किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं लहसुनी छोला। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लगता है, यकीन नहीं मानिए दोस्तों, मेरे तरीके से बना के खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने 200 ग्राम के काबली चना 5 से 6 घंटे तक भिगो करके ले लिया है। इसको जो है ना तब तक हम साइड में रख देंगे। मैंने देखिए गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें 3 चम्मच तेल डाल दें। तेल डालने के बाद उसमें जब गर्म हो जाए तो 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 मैंने दालचीनी, 1/4 चम्मच हमने हींग डाला है। उसके बाद 1/2 चम्मच के करीब हमने जीरा डाला है, 2 लहसुन डाला है। सभी को अच्छा से 1 मिनट तक भून लें। भूनने के बाद मैंने देखे 3 बारीक बारीक कटा हुआ प्याज वो इसमें डाल दिया है। डालने के बाद ही इसको भी नर्म होने तक 1 मिनट तक इसको भी भून लेंगे। आप मेरे तरीके से लहसुनी छोला बना करके खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने इसमें 2 लहसुन था ही, इसमें मैंने 2 हरा मिर्च इसमें डाला है। डाल करके इसको भी हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद मैंने 1 टमाटर मीडियम साइज़ का वो बारीक बारीक काट करके इसमें डाल दिया है। इसको भी हल्का नर्म होने तक भून लें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैंने 2 से 3 चुटकी नमक डाला है। नमक डालने के बाद ये थोड़ा सा जल्दी नर्म हो जाए इसलिए हमने डाला है। इसमें मैंने मसाला वाला चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और बड़ा वाला थोड़ा सा चम्मच से 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको भी मसाला तेल छोड़ने तक अच्छा से भून लेंगे हम। देखिए कितना अच्छा लगता है, यकीन मानिए दोस्तों, ये लहसुनी छोला बना करके खाएंगे तो आपको भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद सभी को अच्छे से मिला लें। जितना अच्छा से आप मसाला भूनेंगे उतना ही अच्छा ही खाने में लहसुनी छोला लगेगा। इसको ढक करके 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है, इसको फिर से एक बार मिला दें। मिलाने के बाद हमने तब तक छोला को गैस पर कुकर में 2 से 3 सीटी लगा करके उसका पका लिया था। पकाने के बाद देखिए हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लें। पहले ही से अगर छोला को आप उबाल के रख लेंगे तो ज़्यादा देर नहीं लगता बनाने में, 10 मिनट में छोला बन के तैयार हो जाता है। ये हमने जो छोला में जो पानी डाला था वही पानी है, उसी पानी का यूज हम ग्रेवी में करेंगे। उस पानी को बिल्कुल न फेंके, उसको ग्रेवी में आप यूज करें, बहुत ही हेल्दी वो पानी होता है। इसमें 1 चम्मच हमने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। नमक डाल के भी सबको मिला लें। मिलाने के बाद जब इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद ढक करके हम 7 मिनट तक कुक कर लेंगे, क्योंकि ये पहले से कुक हो चुका है। 7 मिनट तक कुक हो चुका है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। 1/2 चम्मच के करीब हमने गरम मसाला डाला है। धनिया की पत्ती आप अपनी श्रद्धा के अनुसार डाल दें, कम ज़्यादा आप अपनी पसंद देख लें उसके हिसाब से इसमें डालें। डालने के बाद इसको फिर से ढक करके 2 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि सभी गरम मसाला का सारा फ्लेवर सारा सब्जी में मिल जाए। ये देखिए 2 मिनट हो चुका है, अब गैस हम बंद कर देंगे। देखिए कितना अच्छा लगता है। आपने तो टमाटर प्याज पीस करके तो बहुत बार बनाया होगा, ये खड़ा प्याज टमाटर का बना है, बहुत ही अच्छा लहसुनी छोला लगता है। इसको पूरी पराठा, चावल रोटी, चावल की रोटी जिसके भी साथ में पसंद हो उसके साथ में आप खा सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। और भी मेरा वीडियो बहुत सारा मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।